हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेवल फूड्स नापलो दुनिया पर। दोस्तों, आज हम आपको भारत के चार धामों में से एक व भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक व मद्रास तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वरम की यात्रा के बारे में दे रहे बने हैं पूरी जानकारी। आपको बता दें, यह एक समुद्री द्वीप पर स्थित है। दोस्तों, यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है। दोस्तों, रामेश्वरम तीर्थ सभी तीर्थों में सबसे उत्तम माना जाता है। दोस्तों, आप रामेश्वरम कैसे आएँ, कहाँ पर रुकेंगे, यात्रा में कितना खर्च आता है, साथ ही यहाँ भगवान प्रभु श्री राम और उनकी सेना द्वारा बनाए गए पवित्र राम सेतु के दर्शन कैसे करेंगे आप, इसके बारे में देंगे हम पूरी जानकारी। बस आप हमारे साथ बने रहें और हमारा ये देखें छोटा सा पूरा वीडियो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। अगर हम बात करें ट्रेन से यात्रा की, तो यहाँ आने के लिए अगर आपको अपने प्रदेश से सीधे रामेश्वरम की सीधी ट्रेन मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप मदुरै पहुँच और वहाँ से बस या ट्रेन से रामेश्वरम पहुँच सकते हैं। यदि आपको मदुरै की ट्रेन भी नहीं मिल रही है तो आप चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन पहुँच वहाँ से सीधे रामेश्वरम पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करें फ़्लाइट की, तो जो इसका सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है वो है मदुरै। दोस्तों, मदुरै से रामेश्वरम की जो दूरी है वो मात्र 170 किलोमीटर की है। आप यहां से प्राइवेट टैक्सी लेकर या बस व ट्रेन से भी रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, मदुरै बस अड्डे से आपको प्राइवेट बस और सरकारी बसें दोनों मिल जाएंगी रामेश्वरम के लिए, जिनका किराया आपको 250 से 300 रुपए के आसपास पड़ता है। दोस्तों, यदि आप अपने वाहन से वाया रोड आ रहे हैं तो आप मदुरै होकर ही जाएँ। दोस्तों, आपको बता दूं, आप रामेश्वरम किसी भी साधन से आ रहे हों, लेकिन हो सके तो मदुरै से आगे का जो रामेश्वरम तक का सफ़र है वो बस की बजाय आप ट्रेन से ही करें, क्योंकि दोस्तों, इस ट्रेन यात्रा में आपको भारत के ऐतिहासिक व सबसे लंबे समुद्री रेल ब्रिज यानी कि पम्बम ब्रिज से गुजरने का मौका मिलता है। और दोस्तों, इसका लुत्फ लेना बिल्कुल भी ना भूलें, ऐसी ट्रेन यात्रा आज तक आपने जीवन में नहीं की होगी। दोस्तों, रामेश्वरम स्टेशन से मंदिर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर की है। आप रेलवे स्टेशन से मंदिर ऑटो से मात्र 15 मिनट में पहुँच सकते हैं, जिसका किराया दोस्तों 30 रुपये लगता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बता दें कि आप यहां पर पहुंचकर कहां रुकेंगे। दोस्तों, आपको मंदिर के आसपास ही बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी जो कि सबसे किफ़ायती पड़ती हैं। दोस्तों, इनका किराया 200 से 300 रुपए के बीच पड़ता है। दोस्तों, मंदिर की वेबसाइट पर भी जाकर आप, जो कि इस समय आपकी स्क्रीन पर है, अपनी यात्रा से 30 दिन पहले से ही रूम बुक कर सकते हैं। दोस्तों, जिसका किराया 500 रुपये प्रति रूम के हिसाब से पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा मंदिर के आसपास बहुत सारे प्राइवेट होटल बने हुए हैं जहां पर आप रूम ले सकते हैं। दोस्तों, इन प्राइवेट होटल्स के रूम का किराया आपको 400 रुपये से लेकर 1200 रुपये के बीच पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब आपको इस यात्रा की सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूं। आपको दर्शन के लिए अगर आप यहां आ रहे हैं तो मंदिर की वेबसाइट पर जाकर, जो कि इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आपको बुकिंग करनी होगी। ये बुकिंग बिल्कुल निःशुल्क होती है। दोस्तों, मेरी राय में आप यह दर्शन की बुकिंग यहाँ आने से पहले ही कर लें। दोस्तों, इसमें आपको सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच अपना स्लॉट बुक करना होता है। ये स्लॉट 6 से 8 के बीच में प्रत्येक घंटे का बनाया गया है। प्रत्येक घंटे मात्र 200 यात्री ही अपनी बुकिंग कर दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप मंदिर में कैसे दर्शन करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहले बात करते हैं मंदिर के विशाल गलियारे की, जो कि एशिया में मौजूद सभी हिंदू मंदिरों में सबसे लंबा गलियारा है और सबसे खूबसूरत भी है। दोस्तों, यहां पर 2 शिवलिंग की पूजा होती है। एक वो जिसे हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे, उसे विश्वलिंगम कहा जाता है, जबकि दूसरे को भगवान श्री राम जी ने बनाया था और जिसे रामलिंगम कहा जाता है। दोस्तों, मंदिर के चारों ओर ऊंची 4 दीवारी है, जिसमें प्रवेश के लिए 2 पूर्व और पश्चिम में द्वार बने हुए हैं। पूर्व का द्वार जो है वो 10 मंजिला है, जबकि पश्चिम का द्वार उस पूर्व की अपेक्षा थोड़ा कम 7 मंजिल का है। दोस्तों, भीतर जाने से पहले आपको बता दें, रामेश्वरम धाम में कुल 24 तीर्थ हैं। 22 तीर्थ मंदिर परिसर के भीतर हैं, जबकि 2 तीर्थ मंदिर परिसर के बाहर पूर्वी द्वार के सामने हैं, जिनमें से एक है अग्नि तीर्थ, जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, अग्नि तीर्थ पूरी द्वार के सामने स्थित समुद्र को ही कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। दोस्तों, आपको मंदिर में दर्शन करने के जाने से पहले इसी अग्नि तीर्थम में आपको सबसे पहले स्नान करना होता है। उसके बाद मंदिर में प्रवेश करके आप जो अंदर 22 तीर्थ बने हुए हैं, 22 कुंड बने हुए हैं, इसमें स्नान करके ही आप आगे मंदिर में जाकर बाबा भोले के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इन 22 कुंडों में स्नान करने के लिए आपको 25 रुपए की पर्ची कटानी होती है।
उस पर्ची को कटाने के बाद आप लाइन में लग कर इन 22 कुंडों पर खड़े कर्मचारियों के द्वारा वो आपको बाल्टी बाल्टी से पानी निकाल कर आपको नहलाते हैं। उसके बाद यहाँ बने चेंजिंग रूम में जाकर आप कपड़े चेंज करके आगे बढ़कर बाबा के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ, यहाँ मंदिर परिसर में दिव्यांग व बुजुर्गों के लिए 4 बैटरी कार है। वह ईस्ट व वेस्ट कार स्ट्रीट पर श्रद्धालुओं के जूते चप्पल का स्टैंड भी है, जहाँ अपने शूज़ वगैरह रख सकते हैं। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि मोबाइल मंदिर परिसर में ले जाना अलाउ नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी और दे दूं, मंदिर परिसर में भंडारा भी चलता है, जो कि सुबह के 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक चलता है। और यहाँ पर सिर्फ दोपहर के खाने की ही दोस्तों व्यवस्था है। चलिए दोस्तों, अब आपको बता दूं कि रामेश्वरम में दर्शन करने के बाद आप और कहां कहां रामेश्वरम में घूम सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप पंचमुखी हनुमान मंदिर जाकर दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहां पर आपको हनुमान जी के पंचमुखी रूप के दर्शन होते हैं। ये काले रंग की बहुत बड़ी मूर्ति है यहाँ पर, जिसके दर्शन प्राप्त होंगे आपको। साथ ही आपको यहाँ पर राम सेतु के पत्थर के भी दर्शन प्राप्त होंगे। यहाँ पर आपको पानी में तैरता वो पत्थर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आप नामोग्यामी मंदिर जा सकते हैं। ये ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जिनको बच्चे वगैरह होने में प्रॉब्लम होती है, वो लोग आकर यहाँ पर दर्शन प्राप्त करते हैं और उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद आप धनुषकोडी जाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि धनुषकोडी ही वो स्थान है जहाँ से प्रभु श्री राम की वानर सेना ने राम सेतु बनाया था, और उसी राम सेतु से भगवान श्री राम लंका गए थे और लंका विजय कर वापस लौटे थे। दोस्तों, जो धनुषकोडी है वो रामेश्वरम से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, आप अग्नि तीर्थम के पास से ही लोकल बस या ऑटो लेकर ये जो सारी जगहें हैं जो अभी हमने आपको बताई, ये घूम सकते हैं। लेकिन मेरी राय में आप ऑटो बुक कर ही जाएं, क्योंकि अगर आप बस से जाते हैं सस्ता तो पड़ेगा, लेकिन वापसी में आपको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, फुल बुक ऑटो ये सारी जगहें घुमाने के लिए आपको कम से कम 1000 से 1200 रुपये चार्ज करेगा, जिसमें वो आपको रास्ते में पड़ने वाले ये सभी दर्शनीय स्थल, जैसे विभीषण मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, नामोग्यामी मंदिर, भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के घर, उनके मेमोरियल व धनुषकोडी ले जाकर वापसी में पंबन ब्रिज को घुमाते हुए आपको वापसी में अग्नि तीर्थम छोड़ेगा, या अगर आपकी ट्रेन है तो आप सीधे रेलवे स्टेशन भी पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये मेरा वीडियो समाप्त होता है। अगर हमने कुछ छोड़ा हो और आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये जो वीडियो है अगर आपकी ट्रिप प्लान करने में बिल्कुल जरा सी भी मदद करता हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको भविष्य में हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, जय बाबा की।